दोस्तों, पुणे के रहने वाले श्रेया सिन्हा गोड़ा ने साल 2016 में एक एक्सीडेंट के दौरान अपने दोनों हाथ खो दिए थे, जिसके बाद कोची के अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक हैंड ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में श्रेया को पुरुषों के हाथ लगाए गए थे। यह हाथ 22 साल के सचिन नाम के लड़के का था, जिसका मौत एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हुआ था। ये एशिया का पहला सफल इंटरजेंडर हैंड ट्रांसप्लांट था, जिसमें किसी महिला के शरीर में पुरुषों का हाथ लगाया गया था। यह ऑपरेशन डॉक्टर सुब्रमण्यम अय्यर के नेतृत्व में किया गया था, जो लगभग 13 घंटे तक चला था, जिसमें 20 सर्जन और 16 एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की टीम शामिल थी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।